राकेश आ राकेश आता हूँ खजाने बैठ। हाँ बैठ गए भाई। के बात है इतनी शिखर दुपहरी में किसा जाड्डा चढ़ा रहे हैं? बस ताऊ जाड्डा चढ़ना वाली बात हो रही है। क्यों के हो गया के बताओ ताऊ? अरे ना नोमन तेलो होगा और ना राधा नाचेगी। जे के मैं नहीं ये बताऊंगा तो बेरा किस तरह पटेगा और जे बेरा नहीं पटेगा किस बात का फिर उसका समाधान किस तरह काटेंगे? तो पूरी बात बता तेरा जाड्डा तो उतार देंगे। दो महीने हो गए बालका की पढ़ाई शुरू हो रही है। अच्छा इस फोन पे? अच्छा। अरे बालका काम को नहीं आंदा। की बात बड़ी मुश्किल है। थारी बहू ने और मन ने काम धंधे कर कहीं फोन ले दा टच वाला। अच्छा यूं? हां अरीब काम को नहीं आंदा इस पे। क्यों कह दे नहीं आंदा? पिछले साल लॉकडाउन लग गया था। हां लग गया था। काम धंधे बंद हो गए थे। हां फिर लॉकडाउन खुल गया। अच्छा दिहाड़ी धप्पे करके पिछले साल की फीस दी। दे दी फीस देनी पड़ी। अरे फिर लॉकडाउन लग गया। हाँ, काम धंधे हो गए बंद। हाँ इब स्कूल वाले मांगे पीसे। अच्छा जब तक फीस नहीं देंदे। हाँ स्कूल वाले काम नहीं देंदे। बालक बैठे जमा ठाली। उनकी पढ़ाई का नाश हो रहा। नू चढ़ रहा जाडा। अरे कोर्ट ने सरकार ने आदेश दिए थे बोले फीस पास को नहीं भरनी। यानी मानते किसी की? अच्छा इन्हें तो पीछे जे पीछे पढ़ाई का धंधा बना रखा। ठीक है आ जाए भाई प्रदीप। बता रहे हो? अरे स्कूलों की पढ़ाई और फीस के बारे में बात चल रही थी। फीस की तो पूछे ना बसता हूँ। अच्छा महारा टब्बर के 8 बालक पढ़े हैं प्राइवेट स्कूल में। हाँ अच्छा और उनकी फीस बड़ी मुश्किल से नबेड़ी और फीस के हाँ। फोटो खींच के भेज दे हैं। अच्छा लेकर लो काम। महारा खातर तो काला अक्सर भैंस बराबर। महारा कड़ा समझ मावा था इंग्लिश मीडियम काम। अच्छा ट्यूशन लेके काम कराना पड़ रहा। हम तो दोरे डंट रहे सा। अरे डंट तो ता मैं अपनी ना समझी में रहे हो। और सुन ले हां ओ सतवीर ने अपना आहो उसे स्कूल में पढ़ा हुआ है। अच्छा इब तक उसकी बेचारे की तनख्वाह भी कोनी देई। अच्छा रहा फीस ले ले है और मास्टर ने तनख्वाह कोनी देंदे। कड़ा की तनख्वाह? हां और सुन हां मेरे खुद के बालका की ऑनलाइन पढ़ाई होवे नी। हां नु का वर्दी पहन कर कैमरा आगे बैठ जो। अच्छा वर्दी पहन का उस वर्दी के लेके पढ़ाई करावेंगे। उन्ती तो मास्टर ने पढ़ाना और उन्ती देखना। ठीक है पर दी का के इसमें रोल है? अरे मैंने तो इनका यू हाल है ना पिछले साल देख लिया था। अच्छा हाँ न्यू हिसाब ला लिया था मैंने। इब की बार पढ़ाई तो कौन से स्कूल में नहीं होंगी। अच्छा तो इस करके कम से कम फीस तो बचेगी। अच्छा हाँ तो यह सोच कर मैंने तो सारे टब्बर कुनपे के बालक सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिए। सरकारी में? और फिर क्या था? फिर आम के आम मिले गुठलिया के दाम मिले। अच्छा न्यू किस तरह मानना बता फिर? ईब अपने सरकारी स्कूल में बढ़िया बहुत ज्यादा बढ़िया ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। अच्छा बड़का का जद मन करे जदे तो पढ़ लियो। शाम ने जी करे शाम ने पढ़ लियो। सवेरे जी करे सवेरे पढ़ लियो। और कौन से कपड़े पहन के पढ़ लियो कोई जरूरी को नहीं टाइल अलग बिठाने। रोज तो फोन पे बड़का काम की वीडियो आवे। अच्छा और दूसरा तीसरे दिन मास्टर का फोन आ लिया और बालक ठीक ठाक पढ़ रहे हैं भाई अपने इस कोरोना कराना तो सही बचाव कर रहे हैं ना कर रहे हैं उसका हिसाब है। आए हफ्ते गल्ला मास्टर का एक चक्कर भी लग जाए बढ़िया तरीके से सारा बड़का काम चेक करके जावे सारा कुंबे टब्बर का हाल चाल पूछ के जावे। आए भाई तेरा कोई प्राइवेट स्कूल का मास्टर चेक कर काम ना ताऊ किस तरह आवेगा ताऊ चेक करने काम? तनखा तो बेचारे ने दिंदे कोनी। और सुन सुना घर आए के तो किताब दे के गए मास्टर। अच्छा आए महीने राशन और दूध दे के जावे। अच्छा हाँ और बड़का खत्म में पीछे गलन लग रहे आगे बड़का का मैच उनके जुड़ने लग रहे अपन की दिक्कत है। तो आपा ने तो भाई प्रदीप बेटा सरकारी स्कूल में बालक लेके जमा जी सह गया आपा तो जमा न्याल हो गए भाई। और तो भाई राकेश सवेरे मास्टर का फोन आ था स्कूल में था बड़का ही किताब देना आऊंगा मैं वही थोड़ी देर में उनका टाइम में हो रहा। चलो अपने वाली बैठक में चलेंगे और उन मास्टर जी पूछ लियो सारी बात। ठीक है चलो चलो खजान सिंह जी आ जाओ मास्टर जी आ जाओ। अच्छा हाँ जी आ जाओ। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार नमस्कार और कुशल मंगल है जी? हाँ ठीक ठाक सर। आप सुनाओ ठीक हो? हाँ बिल्कुल सारे बढ़िया है। लो रोहित की किताबें। अच्छा अच्छा रोहित की किताब जी। रोहित आ रोहित दादा
ये देखो राई सरकारी स्कूल में संस्कार भी मिला है, पानी का गिलास नहीं लेके देंगे तो। और ये सरकारी स्कूल के बालक इतने बढ़िया है, जे एक किलोमीटर तक गठड़ी भी लानी हो नी वो गठड़ी भी लगा के ले अपनी माँ की। ले बेटा तेरी किताब ये क्या बहन वार्ता चल रही थी? बस मास्टर जी यू तो है प्रदीप। अच्छा यू है राकेश है। हाँ भाई बात चल रही थी स्कूल के बारे में, फीस फास का ज्यादा सिस्टम हो रहा है प्राइवेट स्कूल में तो। हाँ। बस उसे के बारे में बातचीत कर रहे थे। मैं बोले भाई मास्टर जी आओगे बाकी फिर उनको पूछ लियो के चल रहा है सरकारी स्कूल में। अच्छा यही बात चल रही थी तो आप ही मैं समझाएगा थोड़ा सा। अच्छा अच्छा हाँ जी। देखो जो शिक्षा विभाग हरियाणा है उसने इस लॉकडाउन के अंदर बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम घर से पढ़ाओ अभियान चलाया हुआ है। क्या कर रखा है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं सबने अपनी अपनी अलग अलग कक्षाओं के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं और उन व्हाट्सएप ग्रुपों में हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक वाइज काम है वो रेगुलर बच्चों तक पहुंचता है। अब वो किस प्रकार पहुंचता है, या तो वीडियो के द्वारा या वीडियो के लिंक डाले जाते हैं या वर्कशीट आती है या पीडीएफ के माध्यम से जितना बच्चे को जरूरत है उतना हम काम भेज देते हैं। जब बच्चे का मन करे तब वो बच्चा काम को देखकर आसानी से उसको समझ सकता है ना गजान सिंह जी? हाँ सही बात है मास्टर जी। और मास्टर जी जिस बालक द्वारा फोन ना हो उसका क्या करोगे आप? अच्छा यदि फोन किसी बच्चे के पास नहीं है तो एजुसेट की जो हमारी टीम है उन्होंने अपनी सारी की सारी जो वीडियो है वो टीवी के ऊपर प्रसारित कर सकते हैं। अच्छा। बच्चे टीवी के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। अच्छा। और जब मास्टर जी टीवी ना हो? यदि टीवी भी ना हो तो शिक्षा विभाग हरियाणा ने हर बच्चे का एक शिक्षा मित्र बना रखा है। ओके भाई। शिक्षा मित्र घर का कोई मेंबर हो सकता है, अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है जिसके पास एंड्रॉइड फोन है जिसको हम टच वाला फोन बोलते हैं और उसके साथ उस बच्चे को जोड़ दिया गया है। उसका काम उस शिक्षा मित्र के पास आ जाता है और जब बच्चा जब चाहे उस शिक्षा मित्र के पास जाके वो पढ़ाई कर सकता है। और सुनो इसके अलावा भी जो SCERT है उन्होंने दीक्षा ऐप के ऊपर बहुत सारे टॉपिक वाइज वीडियो डाल रखे हैं, बच्चा जब मर्जी चाहे उनको खोल के देख कर बड़ी आसानी से समझ सकता है। और मास्टर जी बालक का जो वीडियो देख के भी समझो फिर? वैसे तो वहां पर डाली गई जितनी भी वीडियोज है वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और शिक्षित अध्यापकों द्वारा वो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हर रोज या दूसरे तीसरे दिन अध्यापक फोन करके पूछते तो रहते हैं, पूछते हैं ना आपसे भी बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं नहीं, उनको समझ में आ रहा है या नहीं। यदि फिर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम खुद घर आके प्रत्येक बच्चे को वो काम समझा कर चले जाते हैं। ठीक। इसके अलावा भी सरकारी अध्यापक हैं, उन्होंने अपने खुद के वीडियोस बना के भी डाल रखे हैं ताकि बच्चे अपने अध्यापक से सीधा समझ सकें। हमारे बालक देखे जी आपकी वीडियो देखे हमने। अच्छा देखा है? अच्छा, चलो। हाँ, हाँ। मेरा चैनल पर खोलना हुआ है, देखा मास्टर जी की वीडियो। अच्छा हाँ जी। और एक अवसर ऐप जो शिक्षा विभाग की है। अच्छा। उसके अंतर्गत हर सप्ताह प्रश्नोत्तरी हम बच्चे के लिए डालते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आ गया कितना नहीं उसके द्वारा हमें पता चल जाता है। मतलब आए हफ्ते पेपर, आए हफ्ते पेपर होता है। अच्छा। इसके अलावा भी मुफ्त किताबें, वर्दी, मिड डे मील, स्टेशनरी और स्टाइफंड भी बच्चों को समय समय पर दिया जाता है। दिया जाता है ना खजान सिंह जी? हाँ जी दिया जाता है। और ये तो थी लॉकडाउन की बात, यदि इसको भी हम छोड़ दें लॉकडाउन को छोड़ दें तो सरकारी स्कूल में बहुत ही बेहतरीन प्रशिक्षित अध्यापक है। खुले हवादार कमरे हैं, आप तो आके देखे गए हैं ना? हाँ जी है। खुला प्रांगण है बहुत सारा, हर विषयों की प्रयोगशालाएं हैं, कले हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, जहां पे बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। और इसके अलावा भी जो सांस्कृतिक है, शारीरिक है, मानसिक है, वो प्रतियोगिताएं समय समय पर विभाग द्वारा आयोजित की जाती है। अंत में तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों का सर्वांगीण विकास करवाया जाता है। सही बात है जी। प्रदीप भाई, राकेश, तारा की मैं समझ में आई का मैं हूं बैंस का गबीन बजाना लग रहा। ताऊ जी और मास्टर जी थाना ते मेरी आंख खोल दी, मां तुयो डंडन लग रहे थे ई अपने बच्चा एकेडमी सरकारी स्कूल में कराओगे जी। ताऊ जी, मास्टर जी, ये बात तुम्हारे दिमाग में फिट हो गई है जी। आज के बाद महारा टब्बर के सारे बालक सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। बालक तुम्हारे बालक तुम्हारे, हाँ बालक तुम्हारे सभी पढ़ेंगे वीता ले सरकारी में। ये बालक तुम्हारे सभी पढ़ेंगे वीता ले सरकारी में। इस बालक तुम्हारे सभी